कपिल, तुम तो राजीव के भाई हो ना? बड़ा भाई। और बड़ा भाई बाप के समान होता है। आपकी जनरल नॉलेज हमेशा ऐसी रही है क्या? क्या मतलब? बड़ा भाई बाप टाइप वाली पोस्ट पे आता है बाप के मरने के बाद। फैमिली हायरार्की में सरकारी महकमों की तरह कोई भी कारण दिखा के अपग्रेडेशन नहीं मिलता है। यहाँ तो भाई जो बाप होता है वही बाप रहता है, बाकी लोग बच्चे रहते हैं। होंगे आप बड़े अपनी बीवी के सामने, अच्छे खासे बैठे हैं अपने बाबूजी, मैं क्यों बेकार में जाकर राजीव का बाप बन जाऊं भाई? ओ कपिल, तुम तो बात को पकड़ ही लेते हो। बात कोई नहीं, बात के पीछे छिपे हुए इंटेंशन को ही पकड़ लेता हूं मैं। लेकिन करते कुछ नहीं। राजीव के मामले में क्या कर सकता हूँ? डायरेक्ट बाबूजी से पंगा ले रहा है, वो भी शादी जैसी मामूली चीज के लिए। कपिल, शादी एक मामूली बात होती है। एकदम मामूली बात है, बिल्कुल मामूली बात है, कोई भी कर लेता है शादी। अंगूठा छाप शादी कर लेता है, मैट्रिक फेल शादी कर लेता है, यहाँ तक कि नेता शादी कर लेता है। बेसिक क्वालिफिकेशन इतनी लो है मैरिज के लिए कि फकत आपको मेल या फीमेल होना है। लो भाई, हो गए एलिजिबल। फिर शुरू हो गए? अरे भाई सामान निकाला है तो शेव तो करूंगा ना। अरे मैं शेव की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे मालूम है तुम क्या बात कर रही हो। तुम चाह रही हो कि राजीव को लेकर मैं माँ और बाबूजी भिड़ जाऊँ। कोशिश तो करो। बेकार की बातों में एनर्जी नहीं लगाऊंगा मैं। कपिल, इतने पढ़े लिखे हो क्या ऐसी बातें करते हो? हाँ, पढ़े लिखे ही ऐसी बात सोचते हैं। पता नहीं वो राजीव क्यों नहीं सोच रहा। मार्क्स तो अच्छे आते थे उसके। कपिल, ये राजीव की जिंदगी का सवाल है। पागल हुई हो? राजीव की जिंदगी क्या होती है? राजीव को जिंदगी दी है माँ और बाबूजी ने। अच्छा, तो इसीलिए क्या वो ये जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी सकता? मतलब ये कि हमारी तो जैसे तैसे होनी थी, हो गई। लेकिन अब अगर राजीव अपना जीवन साथी खुद चुनना चाहता है तो क्या वो गलत है? देखो भाई, ये गलत और सही वाली विद्या तुम हर जगह पर अप्लाई मत कर दिया। कपिल, एक पढ़ा लिखा इंसान अपना जीवन साथी खुद चुने, ये सही है या फिर जो भी उसके माँ बाप चुन ले उस पर राजी हो जाए? सारी दुनिया में तो बात बात में सारी दुनिया क्यों घसी लाती हो तुम? बात फकत शादी की है। अब शादी आप अपनी मर्जी से करो या अपने बाप की मर्जी से करो, रोमांस 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकने वाला। अल्टीमेटली जो ख्वाबों की परी जिसे आप अपनी बीवी बनाकर लाने वाले हो, आपकी गार्जियन जैसी चीज ही बनने वाली है, तो अपने ओरिजिनल गार्जियन से क्यों पंगा लो भाई? अपनी एनर्जी किसी अच्छी चीज पर लगाओ। नहीं, शादी मजाक नहीं होती। अपनों पे विश्वास भी मजाक नहीं होता। भैया, बाबूजी ने राजीव पे हक समझ के ही मोहिनी मौसी को जबान दी होगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी ज्योतिष क्या कहती है? देखो भाई, अपनी ज्योतिष विद्या रास्ते के पिंजरे का तोता तो है नहीं कि जब चाह पिंजरे से तोता निकला, चिट्ठियां पढ़ी और भविष्य बता दिया। हर चीज का समय होता है, वक्त होता है। भैया, प्रॉब्लम है कोई? कुछ गंभीर प्रॉब्लम है? आ है तो। तो मुझे बताइए ना, मैं सॉल्व करूंगी ना आपकी प्रॉब्लम। यार मैं क्या बताऊं रचना, ये सब फंसा दिया ना मुझे, घर वालों ने कि बताने लायक ही नहीं छोड़ा मुझे। शादी को फंसाना कह रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि मैं नहीं करना चाहता हूँ शीन से शादी। लेकिन वो तो ये शादी। अरे शादी तो मेरी लाइफ का सवाल है ना रचना। माँ बाबू जी मेरी लाइफ को, मेरी चॉइस को सीरियसली ला ले तो ये एक बात, वैसे ये बात भी गलत। लेकिन मैं खुद कैसे मजाक करूं अपनी लाइफ के साथ? इतनी नफरत करते हैं आप उससे? नहीं यार, मैं नफरत नहीं करता हूँ शीन से, पर भाई शादी, दो जवान लड़के लड़कियां क्या कुछ और कर ही नहीं सकते? सिर्फ प्यार और नफरत बस। मैं क्या जानूं, ये तो आप बता। यही तो प्रॉब्लम है ना, मैं क्या जानूं, कोई समझना ही नहीं चाहता है, पर इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और धीरे धीरे सारे घर के लोग ऐसे बिहेव करने लगे जैसे शीन को भी गलत फहमी हो गई मुझे, और मैं नहीं चाहता कि वो किसी गलत फहमी में जी। तो बस इतनी सी प्रॉब्लम है आपकी, इतनी छोटी सी, और इतना बात का बतंगड़ बना लिया आपने। एक काम क्यों नहीं करते, जाइए और उसे जाकर कह दीजिए आप शादी नहीं कर सकते। अच्छा यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है कि मैं उससे जाकर कह नहीं सकता हूँ। एक काम करना, तू ट्राई कर। क्या ट्राई करूँ? अरे तू जाकर बाऊजी से बात करना। मैं नहीं करती बाऊजी से बात। तेरी बात सुन, क्या ना बाऊजी के क्लोज है, तेरी बात मान लेंगे, अगर मैं जाकर कहूंगा तो हंगामा खड़ा कर देंगे वो लोग। कोई हंगामा खड़ा नहीं करेंगे बाबूजी, और आप ऐसे ही घबरा रहे हैं, जाकर बता दीजिए आप नहीं कर सकते, बोल दीजिए उनको। अरे रचना मेरी बात तो कुछ समझने नहीं चाहता है मुझे। माँ
माँ अभी राजीव के बारे में मत सोच, उसकी शादी के बारे में मत सोच, जब मैं एक्सरसाइज कराया करूँ मत सोचा कर, पाँव ठीक करना नहीं करना करना है। हाँ जब एक्सरसाइज कराऊँ इसमें ध्यान लगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाती। कितनी अच्छी बातें करता है रे तू, कमाता क्यों नहीं? अब बच्चा नहीं है तू, दो बच्चों का बाप है, और बच्चे तो बातों बातों में बड़े हो जाते हैं, कुछ तो कमा बेटा। अब देखना बहू मास्टरी करके घर चला है और तू इतना समझदार होके बैठा बैठा खाए, हमको अच्छा नहीं लगता बेटा। पर मेरा कहना तुझे बुरा तो नहीं लग रहा है ना बेटा? नहीं माँ, औलाद को जिस दिन माँ की नसीहत बुरी लगने लगे ना, समझ ले औलाद की बर्बादी थी, और तेरी बात तो मुझे सपने में बुरी नहीं लग सकती है। सपनों की बात छोड़ बेटा और धरती पे आ जा, कुछ कमा, वरना कल को स्कूल में इसी बात पे दूसरे बच्चे संजू निक्की पे हंसेंगे। अब बच्चों की हंसी का कारण बनना भी इतनी बुरी बात तो नहीं है। फिर अच्छी अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ तू राजीव से कुछ सी, देख कितना होशियार है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे शीन आओ ना, अंदर आओ ना। एक मिनट, बोलो क्या बात? वो कोई सीरियस बात है क्या? अब पता नहीं ये बात आपको इतनी सीरियस लगे या नहीं, हमने तो बहुत कोशिश की पर जब कुछ नहीं कर पाए तो आपकी एक बात याद आ गई। कौन सी बात? आपको हमने एक बार थैंक्स कहा था किसी बात पे, तो आपने कहा था कि शीन भूल जाओ कि हम दोनों कश्मीरी हैं, भूल जाओ कि हमें रिश्तेदारियां जोड़ रही हैं, बस इतना याद रखना कि हम अच्छे दोस्त हैं, और एक अच्छा दोस्त वही होता है जो दूसरे की परेशानी को समझे और उसके काम आए। अच्छा ये बात मैंने कही थी? हाँ आपने कही थी, बस आपकी यही बात याद करके हम यहाँ चले। अच्छा ठीक है, बताओ प्रॉब्लम क्या है? बात ये कि माँ माँ रोती है। माँ रोती है? तुम्हारी आई मीन बोलनी है जी। क्यों? वजह तो हम सब जानते ही हैं। हाँ तो एक बार उन्हें जी भर के रो लेंगे, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, उसके बाद रोना बंद कर देंगे। पहले तो हमने यही सोचा था लेकिन उनका रोना तो बंद ही नहीं हुआ, और प्रॉब्लम यह है कि वो पास्ट में जीती है। ये तो प्रॉब्लम। हम सोच रहे थे कि अगर आप चल के उन्हें समझाएं तो। हाँ वो आपको बहुत मानती है, अगर आप चलेंगे ना तो प्लीज आप आएंगे। हाँ तो आज शाम को? शाम को अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम, मैं आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। थैंक यू, ओके। हेलो, हाँ जितनी बोलो, आज शाम को? अरे हाँ क्यों नहीं भाई, अरे मैडम बंदा आपका गुलाम है। कितने बजे आओगे? 6 बजे? हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, या आई बी रेडी। ओके। अरे जितनी प्लीज, हाँ एक मिनट, तुमने कितने बजे कहा? शाम को 6 बजे? नहीं यार देखो एक्चुअली क्या है कि शाम को 6 बजे ना मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, और मैं जितनी अरे
सच हमेशा कड़वा होता है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अरे सच्ची बात कोई पचा क्यों नहीं सकता है? क्योंकि सच्ची बात पचाने के लिए उस तरह का गुर्दा नहीं होता है किसी के पास। हमारे कपिल भाई साहब किसी की ना समझ में आने वाली किताबी बातें करके हमेशा फ्री हो जाते हैं। राजीव हमेशा गोलमोल बातें करता है, बिना मतलब के किसी से पंगा नहीं लेता पट्टा। और हमारी रचना अच्छे बच्चों की तरह हाँ माँ हाँ बाबूजी करके घूमती फिरती। लेकिन मैं, आपने देखा होगा भाभी, मैं ऐसा नहीं करता। हाँ देखा है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि अगर कोई बात सही हो तो क्या तुम बाबूजी और माँ जी के सामने अड़ जाओगे? आप हिस्ट्री उठा कर देख लो मेरी, बचपन से लेकर आज तक माँ और बाबूजी के सामने कौन अड़ा? अग्नि। क्योंकि गलत बात बर्दाश्त ही नहीं होती ना, इसलिए घर में बाबूजी की बेल्ट सबसे ज्यादा किसने अपनी कमर पर खाई? मैंने। स्कूल में मास्टर की सबसे ज्यादा मार किसने खाई? मैंने। सड़कों पर सबसे ज्यादा किसका खून बहा? मेरा। क्यों क्यों भाभी? क्योंकि अग्नि बर्दाश्त ही नहीं करता गलत बात। अरे नमस्ते अंकल जी। नमस्ते नमस्ते, अच्छा हुआ तू घर में ही मिल गई। ये ले। नमस्ते। क्या ले आए आप सोमनाथ जी? कुछ नहीं, बस फल है थोड़े से। जा बेटा अंदर जा और तेरी माँ को जो फल अच्छा लगता हो वो फौरन ले। अब सोमनाथ जी आप ये क्या उल्टी गंगा बहा रहे हैं? क्यों क्यों क्या, अब फल और मिठाइयाँ हम भिजवाएं या आपसे लें? कौन लाता है कौन खाता है इसमें क्या रखा है? अहम बात तो ये है कि हमें फल खाने चाहिए, फल खाने से सेहत अच्छी रहती है। लेकिन हम लड़की वाले हैं, कुछ तो सोचिए। इसमें सोचना क्या है बहन जी, आजकल सोचने का काम तो बच्चे खूब अच्छी तरह से कर लेते हैं, फिर हम लोग तो फल ही खाएंगे ना। अब आप कुछ भी कहें सोमनाथ जी, पर आप बेटे वाले होके जब हमारे घर कुछ लाते हैं तो हम और गरीब हो जाते हैं। ये क्या कह रही है, गरीब हो आपके दुश्मन और फिर बेटे वाले बेटी वाले? मैं तो ये बात मानता हूँ कि आपकी बेटी मेरी बहू होने वाली है ना, तो वो मेरी बेटी जैसी हुई ना, हुई क्या हो गई समझो, तो जो मेरी बेटी का ख्याल रखेगा मैं उसका ख्याल रखूंगा, तो इसमें गलत क्या हुआ? हेलो। अरे राजीव तुम, जी आप? हाँ आप तो हैं, लेकिन तू यहाँ कैसे? एक्चुअली बाजू शीन बता रही थी कि आंटी दिन भर रोती रहती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं। आंटी जी रोती रहती है तो इनके आंसू तू पोछेगा हमारे होते हुए? अरे इन्हें आंसू आ भी गए तो इनके आंसू पोछेगा सोमनाथ, लेकिन शादी से पहले यहाँ चक्कर काटने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? चल जा यहाँ से भाग। लेकिन बाबूजी, ठीक है मैं चलता हूँ, बाय। ये आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है, वो शादी से पहले ही यहाँ चक्कर काटने लगा ससुराल में, पता नहीं क्या हो गया इनको। दुनिया को ही नहीं मुझे भी ये बात बुरी लगी। तुझे तेरा राजीव बुरा लगा? राजीव? मैंने तुझसे सच बात जो कह दी इसलिए। अरे ये बात नहीं है। मैंने तुझसे मन की बात कह दी इसलिए मैं बुरा लगा। तू नहीं, तेरी बात बुरी लगी। कौन सी बात? यही कि तू शीन से शादी नहीं करना चाहता। बात शीन से शादी की नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता। पर क्यों? ये जबरदस्ती की शुरुआत मैंने नहीं की है मां, बाबूजी ने की। मैं तो उनसे नहीं पूछ रहा हूँ कि आप मेरी शीन से शादी क्यों करना चाहते। क्योंकि वो मोहिनी का एक बार फोन आया था इस हादसे से पहले। हाँ याद है ना, वो जम्मू से फोन आया था जब शीन वो बैंक एग्जाम में पास हुई थी, तब उसने बात चलाई, मैंने हाँ कर दी। मुझे तो पूरा भरोसा था कि मेरा बेटा मेरी बात थोड़ी ही टाल सकता है। ये बात तो तेरे बाबूजी को भी मालूम है। लो, मुझसे ही नहीं पूछी गई वो बात जिससे मेरी पूरी जिंदगी पर असर पड़ सकता। पूछने का रिवाज ही नहीं देखा हमने पहले कभी? देखा तो आपने, शहर भी नहीं था पहले कभी। फालतू बात मत कर, अभी बात को समझ ही नहीं रहा है। किन हालात में तेरे बाबूजी गए थे वहां, और वहां सबके सामने उन्होंने जबान दी थी, उनकी जबान की कदर ही ना करे तो। तूने मेरी बात कही थी उनसे? हाँ कही थी, तेरा नाम लिए बगैर, पर वो माने नहीं, यही ना।
यही सच्चाई है बाबूजी। पता नहीं हम लोग क्यों इससे इतना मुंह चुराते हैं, लेकिन हम सब अलग अलग हैं। फिर रिश्ते? हर रिश्ता अगर वो रिश्ता होता है तो वो दर्द का रिश्ता होता है, क्योंकि जो हमारे जितना करीब होता है उतना ही उसे हमारे दर्द का गहरा एहसास होता है। माँ और बेटे का रिश्ता सबसे करीबी माना जाता है, क्योंकि माँ अपनी औलाद को अपने पेट में 9 महीना रखती है, उसे अपने खून से सींचती है, उसे शक्ल देती है, उसे जन्म देती है। तो बेटे को जब दर्द होता है, तकलीफ माँ के सीने में होती है। फिर भी तू कहता है कि सब अलग अलग हैं। माँ के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें करते वक्त आपको एकदम भूल गया। खैर, इसके बारे में तो मैं तुझे क्या बोलूं बेटा, पर जब औलाद को तकलीफ होती है तो दर्द होता है रे हमारे दिल में, इसलिए हम औलाद से अलग कैसे हो सकते हैं? नजरिए से। नजरिया है तुम लोगों के पास? हो गए ना आप अलग। तेरी पीढ़ी के बारे में खरी खरी बातें कह दी इसलिए? नहीं 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 बाबू, अपने नजरिए के अलावा किसी और के नजरिए। अब तू बिल्कुल बकवास कर रहा है बाबूजी। मैंने अपनी पसंद से शादी नहीं की, मैंने आपकी पसंद से शादी की। तो क्या एहसान किया? एहसान नहीं किया। मैं आपके चुनाव को गलत भी नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपने जो मेरे लिए चुनाव गलत था। राजीव की अपनी सोच, राजीव की अपनी समझ, और राजीव अकेला ऐसा लड़का नहीं है जो पूरे हिंदुस्तान में ऐसा था। इसलिए राजीव अलग है, माँ अलग है, आप अलग हैं, मैं अलग, इसीलिए हमारी शक्लें अलग हैं, इसीलिए हमारे नाम अलग है, हमारी आवाज अलग है और हमारी सोच अलग है। बाबू जी यही यही आज की सोच है। सब अलग हो गए तो फिर हमारे बीच साझा कुछ भी नहीं बचा। कभी इस तरह हम खुले में, कश्मीर में हालात थे ही कब इतने खुले। कश्मीर में ना पहाड़ थे जो जाड़े में बर्फ उड़ते थे, और कश्मीर में चिनार थे, कश्मीर में खुली हवा थी, और हम लोग ना कश्मीर में थक के। शीन, ये तुमने कविताएं करना भी शुरू कर दिया? तो क्या है ना एक्चुअली, जब हम बीए फाइनल ईयर में थे ना तो हमारी हिंदी लिटरेचर की लेक्चरर हुआ करती थी, तो हमेशा कहती थी कि जब कोई 13 या 14 साल की लड़की कविता करने लगे ना तो उसे कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी मूड बदल रही है। ओ। और एक स्टेज भी आती है जब उसे कभी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो कब? जब उसकी शादी हो रही हो। आदमी को जिंदगी की हार्ड रियलिटीज को भी समझना चाहिए कि वो खाएगा क्या, वो जिएगा कैसे। यू शुड थिंक अबाउट दैट आल्सो। अब हम सब कुछ सोचने लगेंगे तो फिर आप क्या सोचेंगे? मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर हम सब कुछ सोचेंगे तो फिर आपको भी तो कुछ सोचना चाहिए ना।